पुराने जमाने में हमारे इस गांव में सारा बहुत था। पहला बाहर जाता काम करता गया तो बड़ा अस्पताल काम किया सर। ठेकेदारों ने ठेका लिया और पेड़ों को कटवा करके कोलसे निकाले। हमारे इस गांव में कम से कम 15% लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। साठ थे वो नंगे रह गए और फिर बारिश भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मजदूरी करो बाजार नहीं जाना पड़ रही हो यहाँ दानी कर रहे वहाँ। लोग ज्यादा मवेशी रखने लगे, अच्छी किस्म के रखने लगे, दूध देने लगे और लकड़ी मिलने लगे। उनके पास भी पशु तो है तो वो उनके पशु सारे चारागाह के ऊपर निर्भर रहते हैं। चारागाह नहीं होता तो हमारे गाय भैंसे को क्या खिलाते। जहाँ जहाँ ये जो संस्था बनी हुई है काफी गांव को फायदा मिला है। शामलात शामिल शब्द से बना है। हम सबके शामिल होने से बनती है शामलात। ऐसे संसाधन जो हम सबके लिए हैं, जिन पर पूरे समाज का हक है, अधिकार है। जल, जंगल, जमीन और हवा सभी शामलात हैं। शामलात बेहद अमूल्य है क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। इन संसाधनों से गरीब और सीमान्त लोगों को आजीविका एवं जीवन निर्वाह की सुरक्षा मिलती है। कितना ज़रूरी है शामलात के सही अर्थों को जानना और समझना। खेल मेलों के मैदान, कुएं बावड़ी, हताई चौपाल, चारागाह, चरनौट, नदियां नाले, झील और झरने, ओरण या देववन, यहां तक कि रेत भी शामलात है। बहुत बड़ा अंतर है सरकारी और शामलाती होने में। यह ना तो निजी है और ना ही सरकारी, ना आपकी है और ना मेरी। जी हाँ, हम सबकी जरूर है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिले के अचलपुर गांव में वर्ष 2008 के दौरान जल ग्रहण विकास प्रबंधन का काम किया गया, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ की शामलाती जमीन पर कई लोगों के नजरिए कब्जे भी थे। काफी मशक्कतों के बाद गांव के लोगों ने अपनी चरागाह को विकसित कर सुरक्षित किया। इस गांव का अपने शामलाती संसाधनों के प्रति जुड़ाव होने के कारण कई संपन्न व ताकतवर लोगों को भी अपने अवैध कब्जे छोड़ने पड़े। पहले तो सर ऐसे ही थी जमीन, खंजर जमीन ही पड़ी थी, पशु सरता था। तो फिर ये सस्ता वाला आया, हमने इकट्ठा किया, दो चार लड़कों ने काम पे लगवाया, हमने सर्वे की दी, इन्हें सब खेतारी ने लिखो पढ़ो करी ने लई दिन साहब ने बताया। अन पसंद सब जन गाम इकट्ठा गए रे, मेरे गाम रहा 5-10 गाम रहा इकट्ठा गया। सब मली जली रुकी, मजदूर तैयार किया, जो बटे काम पे जा था पंचायत में तरा पे वहाँ बंद किया, वहाँ लगाया कोई था ना फिर जेड़ दांगा। सब काम करता करता दो तीसरे साल लाग गयो, तो गए साल भी सारो काटे हुआ मन का है, फायदो भी मन का है पूरा काटे रहा था। तो 3 रुपये पूरा मिल रहा था तो 2 में दे दिया यहाँ, तो भी पैसा सब समिति में डालना। मुँह लाएगी तो मैं नहीं देना, आप लाइया तो आप नहीं देना है कर, सब पैसे समिति में डाल लिया। और ये मेरे सरागा अभी तो बहुत अच्छा चारा हो गया। FES की तरफ से मैं इस गांव में हर एक एक्टिविटी को फैसिलेट करने का काम करती हूँ, चाहे वो प्लानिंग में हो, चाहे वो इम्प्लीमेंट करने में है या मॉनिटरिंग में है। गांव के लोगों को पता है कि गांव में क्या काम होना चाहिए, किस तरह के काम होने चाहिए, और गांव के लोगों को ही पता होता है कि उस गाँव के लिए क्या सबसे अच्छी चीज़ है। ₹2009 में जब हम यहाँ पे शामलाती संसाधनों के ऊपर काम करने की जब प्लानिंग कर रहे थे,
तब ये था कि यहाँ पे इस गांव का दो तीन गांव के बीच में एक चारागाह है, वो कुल 37 हेक्टेयर ज़मीन है, तो उसके ऊपर कुछ 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 लोगों के कब्जे थे। यहाँ पर चारागाह की कोशिश करी थी वकील ने, जिसने रात को जिसी भी चलाई थी, सोया हुआ था तो ये आसपास की लाइटें काई की आ रही बार बार ऊपर, तब हम मालूम पड़े कि सामने चर खोदी जा रही है वापस। तो रूपलाल जी जो है मेट थे, इनको बुलाया गया रात को उठा के, इनको बुलाया, उनको मकान दूर पड़ता है तो उनको नज़र नहीं आया कि ट्रैक्टर चल रहे होंगे कहीं, मतलब खेती होती हाँक रहेंगे। हम रात को गए तो उन्होंने बंद करी नहीं, फिर हमने था ये फ़ोन लगाया वहाँ पर संजीव भाई के पास, फिर वापस वहाँ से ये हमारे सरपंच साहब वगैरह ये उनके लड़के वगैरह आए रात को, आए फिर बंद करवाई, तो उसने मार पीटने की बहुत सी मगजमारी करी रात को, रात को बंद करवाई, तो सुबह फिर आया हमारे घर पे, तो आटा लेने गया मैं मार्केट, तो इनने क्या करा पीछे से आया तो मेरे मिसेस को धमकी दी, तुम्हारे को मार डालेंगे, तुम्हारा झोंपड़ा एक सेकंड में बिखेर देंगे, तुम्हारे बाप की ज़मीन है क्या सरकारी ज़मीन है, इस तरीके से उनने धमकी दी। तो पैसे का जोर है उनके पास, तो कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे पास पैसे नहीं मिलते हैं, तो हम मजदूर इंसान हैं, हम पैसे लाएं कहाँ से। वहाँ वो मशीन लग रही नहीं भाटे की, तो आगे कब्जा कर रहा था यहाँ पे, तो कब्जा कर लेगा तो गांव वाले को थोड़ी आने देगा वो, तो दिन रात ही मशीन फंस फंस चलेगा तो कसरा बगदा तो उड़ीन गांव में ही आएगा, तो सब गांव वाले अरे मेरे गांव वालों ने सूचना दी थी कि यहाँ ऐसे जगह ने धमकियाँ भी दी थी, वहाँ भी धमकियाँ दी थी, पर गाँव वाला सरपंच भी है, सचिव साहब भी था, पटवारी साहब भी था, पटवारी ने बुलाया, खूब मेहनत की थी, खूब कर्मचारी लोग आया, सब ने डांट धमट दी, कलेक्टर में भी दी दो। पिछले कुछ वर्षों से इलाके में हो रहे अंधाधुन खनन का सीधा असर नज़दीकी चारागाह और आसपास के गांवों की ज़मीनों तथा जनजीवन पर साफ दिखने लगा। माइनिंग के बढ़ते प्रदूषण ने एक और जहां फसलों को बर्बाद किया, वहीं दूसरी तरफ उनकी काली नज़र अब गांवों की सीमा से लगे चारागाह पर थी। वहीं गाँव वालों के लिए श्यामलात भूमि और पर्यावरण मूल्यों के लिए निरंतर लड़ते रहना एक चुनौती भरा सबक था, जिसे वहाँ के युवाओं ने सभी को एकता के सूत्र में पिरोकर लोकतंत्र की संवैधानिक ताकत से पीछे खदेड़ा। पहले पढ़ाई करता था, पढ़ाई के साथ साथ वाटर शेड में भी काम करने लगा था, नेट प्लानिंग से मेरी शुरुआत थी और अभी तक पढ़ाई भी चल रही मेरी और यहाँ भी काम करता हूँ। तो हम पढ़ाई भी होने के बाद जो मैं खाली समय बचता है क्या, तो चारागाह के लिए गाँव की मीटिंगों के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो लिखा पढ़ी का नहीं आता उन लोगों को, पुराने समय के लोग हैं तो हम कर लेते लिखा पढ़ी का काम। पहले तो जो नाराज़ रहते कि आजकल छोरा अपनी बात राह नहीं करे, या अपने मन पड़े वो जो करे, मन की राह नहीं ले, कहीं करे एक दो साल कूदी लेगा नहीं, न्यूज़ पढ़िया रहेगा कहीं खड़ा खदड़ी चली जाएगा लोग। ठीक है, हमने यहाँ धीरे धीरे काम किया, काम देख रहे लोग, आज शाबाशी दे रहे, आज उनके साथ वो पास में बैठा थे, पहला पंचायत में भी नहीं आने देते हमको, मेरे को तो पंचायत में आने नहीं देते पहले, क्या करेगा आवारा गिरदी लड़के, तो आज पंचायत में जाते, पंचायत वाले आप पंचायत मन खुद ही राह ले भाई कई काम करना बढ़िया काम वही थाने, और मन बताओ जो मन पंचायत दूसरा गाँव में उपयोग कर सका जानी, और आसपास वाले लोग भी देखिए सर मन तो पूछे कि चारागाह कहीं तरह बनाए हो, गाँव में काम कई तरह कर रहे, सार्वजनिक समितियाँ कई तरह चली रही, आप अतिक्रमण तो कई तरह हटवाए हो। अचलपुर गाँव में पशुधन की बड़ी संख्या है, यहाँ बहुतायात में मावा बनता है जिसके लिए दूध की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, और पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत भी, जिसे गांव ने बखूबी अपने चारागाह से पूरा किया है। सही विकास व प्रबंधन से आज वहां उम्दा किस्म का चारा पैदा होने लगा है। चारागाह की वजह से मैं दो गाय मोल ला चल रहा हूँ, चारागाह के पैसे से लाया हूँ मैं, मजदूरी मिलने पर इतना फ़ायदा हुआ मेरे को, मतलब दो गाय लाया हूँ मैं, उसके अलावा मेरे को चारा मिल जाता चारागाह से, वो गाय खाती है, हमारा बच्चे बच्ची जो है मतलब दूध के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है, लेकिन हम दूध कहाँ से लाएं रोज के, इसलिए हमें दूध का फ़ायदा है, उसके अलावा अगर वो गोबर करती है उसका हमारे कंडे थेपते हैं उसका हमारा फ़ायदा है, कि बारिश में हम पूरी बारिश जला सकते हैं, हमें मच्छर खाते हैं तो पंखे हैं नहीं हमारे पास, लाइटें हैं नहीं, तो उसकी वजह से ये कि हम धुआड़ी करते हैं, उसका धुएँ की वजह से हमें मच्छर नहीं खाते।
पहले यहाँ पे महिलाएं एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठती थी, मंदिर पे कभी महिलाओं को बैठने का अधिकार नहीं था, महिलाएं कभी भी यहाँ पे समूह में बैठ के या चर्चाएं नहीं करती थी, कोई निर्णय नहीं लेती थी। 3 साल में यहाँ पे धीरे धीरे महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए। अब महिलाएं यहाँ इस गांव में तो सारे समूह की महिलाएं 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को मंदिर पे बैठती है, वहाँ मीटिंग करती है और जितने भी मुद्दे हैं महिलाओं से संबंधित वो सब पे चर्चाएं करती है। थोरिया रूपनगर अजमेर जिले के ब्यावर कस्बे का नज़दीकी गांव है। यहां की शुष्क व पथरीली ज़मीन पर साल 2000 के दौरान गांव वालों ने कड़ी मेहनत कर भरा पूरा जंगल खड़ा किया, जिससे यहां की खेती व पशुपालन में वृद्धि हुई। हमारे पाड़ोस के अंदर डिस्ट्रिक्ट है पाली, यहां से 4 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, और हमारा प्लांटेशन से सीमेंट फैक्ट्री ओनली 5 किलोमीटर है। तो वहाँ पे आप जाके देखिए, बिल्कुल हरियाली नहीं है, पेड़ पौधे बिल्कुल ख़त्म है। जब वो फैक्ट्री चालू हुई थी जब वो लोग पैसे कमा रहे थे बहुत, कि आज हमने तो 200 रुपये कमाए, आज हमने 500 रुपये रोजाना कमाए। हमने कहा भाई हमारे तो आज यहाँ पे 50 रुपये की मजदूरी है, कि हमारा तो सीमेंट फैक्ट्री आ गई और हमें तो बहुत मज़ा आ गया, हमारे तो गाँव की तरक्की हो गई। हमने कहा भी कि उन्होंने कहा आपके गांव में लगा लो, मैंने कहा भी हम नहीं लगाएंगे, तो क्यों नहीं लगाओ, मैं कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी स्थिति ख़राब हो जाएगी, ये वातावरण ख़राब हो जाएगा, और हम तो इस फैक्ट्री वालों को यहाँ पे पनप नहीं देंगे। अब हम उनकी दशा देख रहे हैं, वो अब हमारे पास में आ रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा बेखूबी का काम कर लिया, हमारे जानवर चरने की ज़मीन नहीं है और बिल्कुल खेती करने लायक ज़मीन, हमारी सारी ज़मीन थी वो ज़मीन फैक्ट्री वालों ने अवाप्त करके हमारे से ज़मीन खरीद ली है। मसला रे रेणो रे रेणो समंदरिया के माये ना डूलम नाही रे वेणो वो दिन मसला रे बैठो रे बैठो बड़पी पलखी सावरिया बाके रंगे सायानी बैठेणो हसला रे रेणो रे रेणो भईड़ा के माये दुश्मन मनाई रे रेणो हसला रे बैठो रे बैठो दौरज चाइया किला रे बाई रमनाई रे रेणो हसला रे रेणो रे रेणो भईड़ा के माँ अजमेर में तो बड़े मेटी में गया जी, मेटी में गया तो मेटी में कियो कोई रुकवाड़ा रहे को नहीं, मैंने कियो मैं रुकवाड़ा रहूँ, इसको जंगल बना दूंगा, जंगल बना दूंगा। अपन सरपंच साहब हाँ वहाँ के चंद्राराम जी भी 12 की बात है, ये मैंने कियो भी जानकारी थकी होनी चाहिए, थे जानकारी रखो तो जंगल तुम बना दे, क्यों कि ऊपर थाना थपेनों को भी डर साहब जब कियो कि मरे सीमेंट हो जाए तो तू खूब ठोक बोले तेरे को थाना में नहीं जान दूँ नहीं था भाई, और मैं सबको कूट मार कर दी सबको कहीं नहीं है। जब ये जंगल बनिया हमारे यहाँ पे चरागाह का अतिक्रमण का केस आया भी है, एक दो केस आए गत वर्ष, एक आदमी ने चरागाह जमीन के ऊपर तिल की बुआई कर दी, गांव वालों से ले जा करके उनको जमीन को पूरे जानवरों को छोड़ दिया और उनको कह दिया, पहले उनको कहा
कि भाई आपने ये क्यों लगाया तिल, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो 2-4 बीघा लगाता हूँ और ये मेरे को लगाना दीजिए। तो हमने कहा भी अगर आप लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा, ये भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, तो ये चरागाह जमीन नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने लगा दिया जो लगा दिया, और अब हमें इस ज़मीन के ऊपर कोई खेती बाड़ी नहीं करूँगा, न अतिक्रमण करूँगा, और मैंने जो कर लिया है मेरी यही सजा है कि इस मेरी ज़मीन के ऊपर जानवर चरा के हटा दो, नष्ट कर दो इनको। तो कर दिया इनको, उनके आत्मविश्वास के, उनके कहने से उनको विश्वास में लेकर के, और उनको वो अतिक्रमण हटाया। पहली कांकड़ा, बाद में जंगल राज्य में बाद में पेड़ हल गया, तो जलग्रहण को काम से लिया, इसमें पेड़ हल गया, इनकी रुकवाली करी, रुकवाली करने के बाद में पेड़ हल गया। 5 साल तक तो गाय नहीं कुछ बाधी, बाद में इसमें छोड़ बल आ गया, गणती से गणती ले लेता, छोड़ देता। अब हमें चरागाह की सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है। ये जो ज़मीन है, सरकार से हमने एक बार प्लांटेशन लगा दिया, चरागाह ज़मीन है, शिवाचक ज़मीन, अब हमें सरकार ने तो पैसा देगी और न हम उसे लेंगे। अगर वो कहेंगे हम देंगे तो भी हम नहीं लेंगे, क्यों कि हमारे पास में भगवान की प्रकृति की मेहरबानी से ये जो पालन पोषण करने का हमारे को ये प्लांटेशन खड़ा हो गया, और हम उसके ऊपर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। जिला मुख्यालय भीलवाड़ा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर चितांबा पंचायत के संजाड़ी का बाड़िया गांव ने 90 के दशक में अपनी 200 बीघा श्यामलात भूमि की सुरक्षा, विकास तथा प्रबंधन करके एक अनूठी मिसाल कायम की है, जहां बुनकर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली अनुसूचित जाति की महिला केसीबाई सरपंच बनी थी। तमाम विरोधों के बावजूद इस दलित महिला के नेतृत्व में लोकहित के ऐसे काम हुए जिन्हें देखकर सभी दंग रह गए। श्यामलात का काम इस वक्त में तो फाकुलिया में हुआ, संजाड़ी का बाड़िया में हुआ और चितांबा में हुआ। चितांबा में तो पहले बहुत ही पुरानी टेम में मंगरा मेवाड़ विकास संस्था काबरा के सहयोग से पहले वहाँ हुआ था, ट्यूबवेल के पास में। तो वहाँ पर 200 बीघा में काम किया। आज के 30-25 साल पहले काम की दो जगह में तो पुरुषों की कमेटी, विकाबाद में अठे हमारे एक ऐसी महिला सरपंच बनी, वी सरपंच बनबा के कारण कभी भी इटे फंक्शन है तो जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, और भी कभी कलेक्टर साहब को प्रोग्राम वे तो विका महीने किसी भाई अध्यक्ष ही तो इन्हें इनकी जगह पर बिठा था, कुर्सी पर बिठा था, हर तरह इनका आके इनको दिया। संजड़ी का बैठे हूँ, इनके साथ में औरतें आती, वे औरतें वहाँ देखो भाई अपन भी इतने रहवा और अपने हाथ में भी कोई अधिकार लेवा, तो ये आ लोग आ औरतों की इच्छा आ गई। इनमें इच्छा जागृत हुई तो मैंने संजड़ी का बैठिया की कमेटी बनाई। संजाड़ी में कमेटी बनाई तो महिलाओं की समिति बनाई। उस वक्त में कई पुरुष एतराज किया कि भाई अताई के ऊपर महिला बैठती नहीं है, हमारे पूरा एरिया में अताई पर महिला नहीं बैठती, पुरुष ही बैठते हैं। परंतु बराबर रख दिया कि भाई इधर पुरुष बैठेंगे तो इधर महिलाएं बैठेंगी, पेमेंट करना, जो भी काम करना, काम का निर्णय लेना, ये सब वहाँ महिलाओं ने सुप्रत की दो।
प्यारो का कहो गुराम जी हा ये सब मांगे जाने पूरे गांव में मदद सब मदद की दी भाई कोई नहीं भाई ये नहीं बैठना है पूरा गांव से सब जाने मांगे झूठ हुए नी अच्छा बैठ बिचा दूजे कोई विरोधी नहीं कह दी जाने विरोधी वाली पार्टी ही कोई वह बनने के बाद में वह कई करती के कुर्सी पे बैठती अत्याई पे बैठती तो हमारे यहाँ औरता ही तो ये भी दो दिन हेलो पार्टी कटे हो बैठो हमारे हंडे बैठो ये बैठती कि आप कहो जो करेगी विकास करना है बच्चों को बढ़ाना दारी छप्पड़ जोड़ के चार रहना अच्छा बारह झाड़ा काटना खेता का काम अच्छा करना सोरे ने टहरा छालू पड़ना नहीं मरता भोजन कम करना और छोरे ने दारी सपड़ा और बूटे पटबागे लिए भेजनी के सारा काम है करेगी तो वे काम बढ़िया हुआ समाज में लड़ना पड़ा क्योंकि मेरी पालडा की जो हत्याएं पर नहीं बैठती है औरतें तू क्यों बटानते तो मैं कह रही हूँ भाई को थक नहीं बटानते तो अब देख लो आज थारा गांव में जो पाले थे ना कोई थे भी नहीं बटो लुगा ने अड़बाई ने दे रहा हो तो वह दारी भी बच्ची ने तो पटबा मेले ने भी ने हपड़ा सके ने थारे रोटी खुद ही पोस सके ये क्या जो से खड़ी खड़ा घर जो से तो क्या से देखो शेषता भी बनी हाँ मांगे स्कूल होना ही तो छोरा छोरी स्कूल में सब ए कोई डांडा डोर में नहीं जा सके सब स्कूल जाए मैंने बढ़िया जटा से सरपंच बढ़िया जटा से आ स्कूल बनी चारागाह विकास एवं प्रबंधन के लिए समिति का बनाना इस दिशा में किए गए काम का पहला सोपान है। उसके बाद समिति के नियम कायदों की पालना में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करना तथा उस पर आश्रित परिवारों को उसके उपयोगिता अधिकारों की सुरक्षा देना भी इसका एक अहम हिस्सा है। रखवाली करबा में बड़ी परेशानी आई तो महिला एक एक आज आप गए तो लकड़ी थी वह लकड़ी आज आप लेन गया शाम का आप घरे रखी दूसरे दिन आप जाओगे इस तरह से महिला बड़ी हिम्मत करके इस जंगल को रखा और इन्होंने चौकीदारी के ऊपर बहुत सहयोग किया। जिका ऊपर पुराना आदमी कुछ अभी कियो कि भाई अताई के पास में होकर के महिला जूतियाँ पहननी नहीं निकले तो ऊपर बैठना ठीक नहीं इस बात को मानी नहीं कुछ लोगों ने आगे खींचा प्यारा बाद जिशान और एक बोझा बहन पांच हाथ जना ने आगे करके आ तैयारी की थी भाई कैसे ही करके महिला अताई पर बैठेगी निर्णय यही लेगी। सामलाती जगह में
कहीं पर खान नहीं होने देने की इच्छा हमारी, भाई नहीं होने देंगे, परंतु आपकी जो खुद की ज़मीन है वह ज़मीन आप पैसा लेकर के बेचते हो तो उनके लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं है। दूध पानी की कमी हो जाएगी, ज़मीन में घास चारा कोई भी चीज़ पैदा नहीं होगी, सारी तरह से तकलीफ तो है ही है। कोई कोई देखता पैसा बहुत आ रहा है लेने की कोशिश करो, ये आगे जाकर के आपत्ति तो है ही। सारी समितियाँ की दो तीन बार मीटिंग हुई है, जिसमें दो दो चार चार आदमी आकर के हम लोग सामलाती मीटिंग करते हैं। भी मीटिंग में इन्हें कड़ी झगड़ा आ जावे, कड़ी कोई नाजायज कब्जा की बात आ जावे, कोई नए अटे, कोई ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचावे, वहाँ के लिए अटू इन चितामों कोई कंट्रोल में नहीं आ रहा कि भाई ये तो ज़बरदस्ती कर बोझ आ रहा बच्चे या दूसरा अड़ोसी पड़ोसी आकर के वहाँ कंट्रोल करवा की बात करें। 9 मजरों का प्रतिनिधित्व करने वाले ज्ञानगढ़ गांव में आस पास के गांवों की शामलात विकास एवं प्रबंधन समितियों के एकीकृत महासंघ की मासिक बैठक की जाती है, जिसे सुपर कमेटी भी कहते हैं, जहां संबंधित समितियों के नियम कायदे तय किए जाते हैं, जनहित व्यवस्था को पारदर्शी व लोकतांत्रिक बनाने, गाँवों की विकास योजनाओं का मूल्यांकन और वेतन या श्रम अंश देने का काम भी इसी महासंघ के द्वारा किया जाता है। ये हमने आपा सभी वादों भी की दो भाई सामूहिक काम ने आपा सबकी जिम्मेदारी बेनी सामूहिक काम पे जो खनन ने व्यवस्था। शामलात संसाधनों की महत्वता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जैसे ग्राम सभा में अपनी शामलात भूमि के महत्व और वर्तमान स्थिति की चर्चा करें, पटवारी शामलात भूमि का पूरा ब्यौरा ग्राम सभा के सामने रखें, शामलात भूमि के सीमांकन के लिए अपनी पंचायत में आप प्रस्ताव दाखिल करें, पशुधन की संख्या तथा चारे की ज़रूरतों को देखते हुए राजस्व बंजर व बिलानाम भूमि को चरागाहों में परिवर्तित करावें, शामलात भूमि के विकास व प्रबंधन हेतु हर गांव अपनी 5 सदस्यीय चरागाह समिति बनाएं, जिसमें कम से कम 2 महिला सदस्यों की भागीदारी भी सुनिश्चित करें, महात्मा गांधी नरेगा तथा जल ग्रहण विकास जैसे कार्यक्रमों को शामलात भूमि के विकास के लिए जोड़ने हेतु प्रस्ताव पारित करें। अचलपुर, संजाड़ी का बाड़िया और थोरिया जैसे कई गांवों ने शामलात संसाधनों के विकास व प्रबंधन में जन भागीदारी और सामुदायिक सहयोग के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जिससे समाज में समानता, समन्वय और आपसी विश्वास तथा महिला सशक्तिकरण जैसे मूल्यों को बल मिला है।